हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज हम बनाएंगे पिज्जा वेस। तो पिज्जा वेस बनाने के लिए फ्रेंड्स जो सामग्री चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। ये मैंने एक बाउल यहाँ पे ये मैदा लिया है, ये 200 ग्राम्स मैदा है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, ये मीठा सोडा है जो वो यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून ये यूज़ करेंगे, और ये आधी कटोरी यहाँ पे मैंने ये फ्रेंड्स दही लिया हुआ है, ये खट्टा दही है, तो आप खट्टा दही यूज़ करेंगे तो बेस बहुत अच्छा बनेगा आपका। और ये मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल लिया है, ये हम डो में इस्तेमाल करेंगे। तो ये मीठा सोडा भी 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप ईस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ईस्ट यूज़ कर लीजिए, और हम ये विदाउट ईस्ट यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से बनाइए। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, जो हम डो को गूंदेंगे, मैदा गूंदेंगे, तो इसमें अब हम इसमें सबसे पहले, और अगर आप ईस्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ईस्ट भी यूज़ कर लीजिए, और ईस्ट उस समय अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस आप बना के रख लीजिए। ये बेकिंग सोडा है, ये इस तरीके का आता है, मार्केट में इजिली मिल जाएगा आपको, और ये 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, यहाँ पे मीठा सोडा जो नॉर्मली खाने वाला सोडा होता है, और ये है हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा बेस में थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा नमक, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे इसका तो पिज़्ज़ा की सॉस वगैरह भी यूज़ होती है, तो उसमें भी नमक वगैरह होता है, तो नमक थोड़ा सा ध्यान में रख के डालिएगा। अब हम इसको छान लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये मैंने छान लिया है इस तरीके से, और नमक वगैरह भी सब इसमें मिक्स कर लिया है। तो आप जब भी ये सामान डालें तो ये जब आप छानते हैं इसी समय ये यूज़ करिएगा, क्योंकि ये हम इंस्टेंट बना रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट से भी बना हुआ ले सकते हैं, बट ये हम इंस्टेंट दिखा रहे हैं आपको, कि आप यहाँ पे मार्केट से भी अच्छा बना के आप तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा दही बनाएंगे, आप पहले से बना के रख लीजिए, अगर आपको पिज़्ज़ा बेस तैयार करके रख लीजिए और पिज़्ज़ा बनाना है तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करेंगे, और एक बार में ही पानी या दही मत लीजिएगा। दही अगर आपका थोड़ा सा खट्टा हो, एक दिन का रखा हो, तो बहुत अच्छा ये फ्लेवर भी देता है, और खमीर भी बहुत जल्दी इंस्टेंट ये उठ जाता है इसमें। और अब हम ये थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे फ्रेंड्स, इसको मिक्स कर ले, इसको हाथ से अब हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये मैंने गूंद लिया है, और दही थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा फ्रेंड्स, फिर बोल रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर आप डाल देंगे बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बहुत अच्छा डो आपका बन के तैयार होगा। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून तकरीबन और पानी की हमें ज़रूरत है इसमें, तो ये हम थोड़ा सा ही पानी यूज करेंगे बस। इसमें मैंने पहले कोई पानी वगैरह नहीं यूज किया था फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने दही से इसको अच्छी तरीके से बाइंड किया, और अब मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पानी यूज किया है। तो आप पानी एकदम से ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो डो अच्छा नहीं बनेगा। और इसको अब अच्छे से मसल लेते हैं फ्रेंड्स, और मसल मसल के इसका एक अच्छा सा डो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से देखिए, डो हमारा इस तरीके से बन गया है। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल है, आप इसको हाथ पे लेके इस तरीके से हाथ पे लेके इस तरीके से इसको थोड़ा सा लगा लीजिए, और 2 मिनट के लिए इसको और पंच कर लीजिए, ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए आपका डो इस तरीके से। और ऑयल लगा के ही पंच करना है फ्रेंड्स, पानी नहीं लगाना है इसमें, आप बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। तो इसको हम एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं इसका। और तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके का मैंने एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया, और इसको हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इंस्टेंट बना रहे हैं तो आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फूल के डबल हो जाएगा अब हमारा। तो इसको हम ढक देते हैं, और आधे घंटे बाद हम डो अपना चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना डो किस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। वाह, देखिए फूल के डबल हो गया फ्रेंड्स, और इतना ये सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए
इस तरीके का डो होना चाहिए। जैसे आप फिंगर रखें तो बिल्कुल दबना चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल आप नॉर्मली फिंगर रखें तो इस तरीके से दबना चाहिए, स्पॉन्जी की तरह ये हो गया है। और अगर आप चाहें तो और भी इंस्टेंट बनाना है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव गर्म करिए और इसी तरीके से ढक के उसमें रख दीजिए, माइक्रोवेव गर्म करके बंद कर दीजिए और 2 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक के रख दीजिए, बहुत जल्दी ये फूल जाएगा। तो आप या फिर कोई गर्म जगह पर आप थोड़ा सा इसको रख दीजिए ताकि और भी जल्दी फूल के तैयार हो जाए। तो अब हम चलिए, ये हमारा डो अच्छा सा बन के तैयार हो गया और इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के, इसके थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसको एक बार और पंच कर लेंगे, इसको एक बार और पंच कर लेंगे। और इतने से बेस में फ्रेंड्स आपके 3-4 पिज्ज़ा बन के तैयार हो जाएंगे, जो अभी मैंने ये इंस्टेंट दिखाया है इसमें मैं 3-4 पिज्जा बेस बन के तैयार हो जाए। और इस तरीके से आपने करना है, ज़्यादा इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा आटे की तरह हमें गूंदना नहीं है। और बस ये हमारा डो रेडी है, अब हम इसके पिज्जा बेस बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हम इसको एक ये बोर्ड पे ना इस तरीके से डस्टिंग कर लेंगे मैदे से, और ये पूरा पूरे पिज्जा बेस यहाँ रख लेंगे। आपको कितने बनाने, एक बनाने, दो बनाने, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, आप इस तरीके से बनाइए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक ये रोल बना लेना है, इस तरीके से लोई बना लेनी है आपने, और इसको पहले इस तरीके से हाथ से फैला लेंगे इस तरीके।